गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और राम राम। हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रतन सिंह। ये चित्तौड़ के शासक है, जैसे कह सकते हैं मेवाड़ के महाराणा थे। ये जो आपका दक्षिणी भारत है, ये जो दक्षिणी भारत है यहाँ मेवाड़ राज्य चलता था, और ये मेवाड़ के शासक है वो चित्तौड़ से शासन करते थे। इनकी राजधानी चित्तौड़ थी, और यहाँ का जो किला है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का, ये बनाया था किसी चित्रागन मौर्य ने। चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो चित्रागन का बनाया हुआ है। आज इस मेवाड़ साम्राज्य की बात करते हैं, इस मेवाड़ के एक वीर बहादुर, और वो है रतन सिंह। देखिए, रतन सिंह के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष तो नहीं है। इनका जो साम्राज्य का काल वो एक छोटा सा है, 1302 से लेकर 1303 ईस्वी। इनका ये एक वर्ष का शासनकाल और अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रावल रतन सिंह, रतन सिंह के जो पिता है वो समर सिंह थे। इनसे पहले जो चित्तौड़ के महाराणा थे वो समर सिंह थे, और समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 ईस्वी में और चित्तौड़ के जो महाराणा है वो रावल रतन सिंह बन चुके हैं। छोटा सा काल है, और इनका काल है वो पहले बात कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहे। तो देखिए, बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। एक विशेष प्रश्न है इस बार के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। 2021 में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है इस प्रश्न की। तो पहला जो पॉइंट है इसमें बात करते हैं कि क्यों आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न क्या बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं, क्यों किया है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। पहला जो पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। इसके जो नोट्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए गए हैं, वहां आप देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति, हमीर में भी हमने ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी है वो लगभग पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता है और अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता है, और इसी साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए और ये चित्तौड़ को जीतना चाहता है। चित्तौड़ को जीतना काफी आवश्यक है, क्योंकि चित्तौड़ का महाराणा थे वो भी काफी शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो इस साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी को और चित्तौड़ को जीतना जरूरी होगा। और अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। इसी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि भी धारण की है, और वो उपाधि का नाम है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। यह सिकंदर सानी किसकी उपाधि है? अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। तो ये हो गए इनके साम्राज्य विस्तार की नीति। अब दूसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं, वो है मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, तो देखिए मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति की बात करते हैं। रतन सिंह से पहले, रतन सिंह है इनसे पहले जो शासक थे उनमें जेतर सिंह थे, तेज सिंह थे, और इनके पिता समर सिंह थे। इनके काल में मेवाड़ है वो काफी शक्तिशाली राज्य बन चुका था। ये जो राजा है मेवाड़ के, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इन्होंने मेवाड़ को काफी शक्तिशाली बना दिया था। और इस मेवाड़ को जीतने के लिए, चित्तौड़ को जीतने के लिए दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने काफी प्रयास भी किए। जैसे बात करते हैं कौन कौन वो सुल्तान थे जिन्होंने चित्तौड़ को जीतने के असफल प्रयास किए, उनमें इल्तुतमिश था, नासिरुद्दीन महमूद है, बलबन है। तो इन्होंने भी काफी प्रयास किए चित्तौड़ को जीतने के लिए, लेकिन ये सभी असफल रहे। इसलिए मेवाड़ की शक्ति वो लगातार बढ़ रही थी, और इसको नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी
जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और वो है समर सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मेवाड़ से जाने से मना करना। देखिए, हम बात करें 1299 ईस्वी की, हमीर वाली टोपी में ही पड़ा था। यहां गुजरात है, यहां दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, और 1299 के अंदर और जो मेवाड़ के शासक थे वो समर सिंह थे, और ये पढ़ चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आक्रमण के लिए इस प्रकार से गुजरात जा रही थी, तो ये मेवाड़ से होकर गुजर रही थी, और मेवाड़ में राज किसका है? समर सिंह का। तो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यहां से गुजरने से मना कर दिया, और फिर कर वसूल कर, दंड वसूल कर, धन लेकर और अलाउद्दीन की सेना को यहां से गुजरने दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी नाराज था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना अपमान समझा, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस अपमान का बदला लेना चाहता था। और यह हो गया एक समर सिंह द्वारा खिलजी की सेना को मेवाड़ से जाने से मना करना। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर चार का जिक्र करते हैं। जो पॉइंट नंबर चार है, चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व। चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व, तो देखिए क्या है चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व। भौगोलिक व सामरिक महत्व, चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व। देखिए भौगोलिक व सामरिक महत्व क्या है, ये मेवाड़ राज्य है और यहां दिल्ली सल्तनत है, यहां से अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहे हैं। यदि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात, मालवा और आगे हम बात करेंगे दक्षिणी भारत, यदि गुजरात, मालवा, दक्षिणी भारत पर नियंत्रण रखना है या यहां जाना है, तो यह रास्ता कहां से गुजरेगा? मेवाड़ से गुजरेगा। इसलिए इसका भौगोलिक महत्व हो गया कि यदि दक्षिणी भारत पर नियंत्रण रखना है तो सबसे पहले मेवाड़ को जीतना आवश्यक है, यह भौगोलिक महत्व है। अब बात करते हैं सामरिक महत्व की, इसका सामरिक महत्व क्या है? सामरिक महत्व यह है कि चित्रागंध मौर्य ने यह किला बनाया था, और इस दुर्ग को बनाने के बाद आज तक इस दुर्ग को कोई जीत नहीं सका। एक अजय और एक अभेद दुर्ग था, कई मुस्लिम सुल्तानों ने कोशिश की लेकिन असफल रहे, और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतकर राजपूत शासकों में अपनी धाक जमाना चाहता था, और पहले वाले जो सुल्तान है उसकी असफलता का बदला लेना चाहता था। तो ये अजय दुर्ग था और इसको जीतना बहुत ही जरूरी था। अब पॉइंट नंबर पांच, जो विशेष प्रश्न है वो ये है, सुल्तान अलाउद्दीन की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। सुल्तान जो है वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इसकी एक अगली कहानी है पूरी, आगे जिक्र करते हैं क्या थी। तो चित्तौड़ की जो रानी थी वो थी पद्मिनी, यानी रतन सिंह की पत्नी थी, और इसको प्राप्त करना कौन चाहता है? सुल्तान चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी डिमांड की रतन सिंह से कि रानी पद्मिनी को मेरे हरम में भेज दे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आक्रमण के लिए तैयार है। रतन सेन ने हरम में भेजने से मना कर दिया, और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वो आक्रमण करेगा। ये बात हमें कौन बता रहा है? ये बता रहा है पद्मावत ग्रंथ के अंदर। पद्मावत एक ग्रंथ है और इसके अंदर इसके लेखक है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में क्या बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो उन्होंने कारण क्या बताया कि सुल्तान अलाउद्दीन की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। एक नंबर या दो नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है,
कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या है मुख्य कारण? सुल्तान की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ये पूरी कहानी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये दिल्ली है, यहाँ ये चित्तौड़ का दुर्ग है, और ये जो कारण है जिसके तहत, जिनके कारण अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना रवाना करेगा, और वो रवाना कर रहा है यहाँ से 1303 ईस्वी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर कब चल रहा है? 28 जनवरी 1303 को, और वो यहां आ चुका है चित्तौड़, और चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके चारों ओर घेराबंदी कर ली है। घेरा लगभग 8 माह तक चला है, और अलाउद्दीन खिलजी है इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। वही पत्थरों की बारिश की दुर्ग की दीवारों पर, लेकिन दुर्ग की दीवारें बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई थी, काफ़ी मजबूत थी, नहीं तोड़ पाया। अंत में क्या होता है कि 8 माह का घेरा चला, दुर्ग के अंदर भोजन सामग्री और पानी की कमी आ गई, इसलिए मजबूर होकर और रतन सेन ने क्या किया कि दुर्ग के दरवाजे खोले और बाहर खड़ी शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि रतन सेन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो खाद्य सामग्री के अभाव में भूख से मारा जाए, या फिर राजपूतों की तरह एक वीर योद्धा की तरह उस शाही सेना से लड़े। तो रतन सेन ने दूसरा रास्ता अपनाया, केसरिया वस्त्र धारण किया और अपने राजपूत सैनिकों के साथ और बाहर खड़ी ये जो शाही सेना है इस सेना पर आक्रमण कर दिया। रतन सेन, उनके राजपूत सैनिक, उनके दो वीर सेनापति गोरा और बादल, शाही सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरा व बादल किसके सेनापति थे? ये रतन सिंह के सेनापति थे। इससे पहले हमने पढ़ा आला व उद्दल, वो किसके थे? चंदेल शासक परमर्दी देव के थे। रणमल रतिपाल, धर्म सिंह, भीम सिंह, ये किसके सेनापति थे? ये हमीर देव चौहान के सेनापति थे। तो गोरा और बादल भी इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया। रतन सेन और उसके राजपूत सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया, और इस दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद रख दिया। चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसका नाम रख दिया उन्होंने खिज्राबाद। तो इस दुर्ग का नाम खिज्राबाद रख दिया। तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए हम बात करते हैं इस पद्मिनी की कहानी की। इसमें क्या लिख रहा है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? एक कहानी लिख रहे हैं पद्मिनी की, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, पद्मिनी की कहानी। तो देखिए क्या है पद्मिनी की कहानी। हम बात करें भारत की, तो अपना जो भारत है उसके यहाँ दक्षिण में श्रीलंका है। श्रीलंका को पुराने समय में सिंहल द्वीप बोलते थे। यह सिंहल द्वीप, या आप कह सकते हो श्रीलंका। और इस सिंहल द्वीप का जो राजा था वो था गंधर्व सेन। सिंहल द्वीप का शासक कौन है? गंधर्व सेन है। यहां का शासक गंधर्व सेन है। और इस गंधर्व सेन की जो पत्नी है चंपावती,
इनसे जन्म हुआ है पद्मिनी का, यानी जो पद्मिनी है वो सिंहल के शासक गंधर्व सेन और चंपावती है इनकी पुत्री थी। और ये पद्मिनी है वो देखने में काफी सुंदर थी, और ये पद्मिनी एक तोता रखती थी बोलने वाला, हीरामन तोता, तोते का नाम है हीरामन, और अपना काफी समय इस हीरामन तोते के साथ बातचीत में बिताती थी। एक बार क्या होता है, ये जो तोता हीरामन तोता ये महल से उड़ जाता है, इसे कोई शिकारी पकड़ लेता है, वो शिकारी किसी ब्राह्मण को बेच देता है, और वो जो ब्राह्मण है वो 1,00,000 रुपए में, और ये जो तोता है वो चित्तौड़ के राजा रतन सेन को बेच देता है। किसको बेच देता है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन को। रतन सेन इसे अपने महल में रखता है, अपने किले के अंदर रखता है। एक दिन क्या होता है कि रतन सेन की रानी है जिसका नाम है नागमती, नागमती जो है वो अपने बालों को बना रही थी, और सामने हीरामन तोता बैठा हुआ था। तो नागमती उस तोते से कहती है कि मिट्टू मियाँ, देखी है मेरे जैसी सुंदर कहीं, यानी अपनी सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है तोते के सामने। तो हीरामन तोता क्या बोलता है कि जिस तालाब में हंस नहीं होता है वहां बगुला ही अपने आप को हंस समझता है। यानी यहां हंस किसको बता रहा है? रानी पद्मिनी को। और बगुला किसको बता रहा है? नागमती को। तो इन्होंने क्या किया कि इस तोते ने नागमती के सामने और पद्मिनी के सौंदर्य की प्रशंसा कर दी कि मेरी जो राजकुमारी थी पद्मिनी वो इस प्रकार से काफी सुंदर है, वो सुंदर आप नहीं है। ये सारी बातें सुन ली रतन सेन ने, और ये सुनकर रतन सेन है वो इस तोते को लेकर, हीरामन तोते को लेकर, और चित्तौड़ से आता है सिंहलदीप, और यहां आकर वो किसी मंदिर में ठहर जाता है, भिखारी का वेश धारण कर लेता है और किसी मंदिर में ठहरता है सिंहलदीप के। अब होता क्या है कि ये तोता जो है वो उड़कर अपनी राजकुमारी पद्मिनी के पास जाता है, और पद्मिनी के सामने जो है वो रतन सेन के सौंदर्य की प्रशंसा करता है कि एक राजकुमार है जो तोड़ का वो काफी सुंदर है, और आपके लिए वो चित्तौड़ से और सिंहलदीप आया हुआ है। अब बसंत पंचमी का दिन था, पद्मिनी जो है वो उस तोते को लेकर उस मंदिर में चली गई, और दोनों का आंखों आंखों में प्रेम हो गया। ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, और वहां जो है इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। जब गंधर्व सेन को पता चलता है कि ये जो भिखारी है वो और कोई नहीं चित्तौड़ का राजा है, तो गंधर्व सेन है वो उनके साथ विवाह कर देते हैं, और रतन सेन जो है वो फिर रानी पद्मिनी को लेकर और सिंहलदीप से कहां जाते हैं? चित्तौड़ आ जाते हैं। अब चित्तौड़ आ गए। अब देखिए, रतन सेन की सेना में एक सैनिक है जिसका नाम है राघव चेतन, ये तांत्रिक था, जादू टोने करता था। सिपाहियों ने इसकी शिकायत सम्राट से कर दी, रतन सेन से। तो रतन सेन ने क्या किया, इस राघव चेतन को सेना से निकाल दिया। राघव चेतन ने इसे अपना अपमान समझा, और वो राघव चेतन चित्तौड़ से चला गया दिल्ली, और वहां जाकर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी के सौंदर्य की प्रशंसा की कि आप भारत के सम्राट हो, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे सुंदर जो रानी है वो रतन सेन के पास है। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और दिल्ली से चित्तौड़ के लिए रवाना होता है, और फिर ये अपनी सेना लेकर 28 जनवरी को चलता है, घेरा डालता है, दुर्ग को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अब आगे क्या होता है कि ये दुर्ग
का घेरा जो है काफी लंबा चला, 8 माह तक चला, अलाउद्दीन असफल रहा। तो अलाउद्दीन क्या करता है, चाल चलता है, उसने रतन सेन को संदेश भिजवाया कि वो सिर्फ रानी पद्मिनी को आईने में देखना चाहता है और वो देखकर यहां से वापस चला जाएगा। रतन सेन ने यह शर्त मान ली और अलाउद्दीन खिलजी को महल में दुर्ग में लेकर आ गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दुर्ग में आता है और आईने के अंदर जो है रानी पद्मिनी का अक्ष देखता है, उसका चित्र देखता है और उसे देखकर कहता है कि ठीक है, मैं अब वापस लौटने को तैयार हूँ। अब रतन सेन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ किले से बाहर की ओर आ रहे हैं, दोनों बातें करते हुए। जैसे ही ये दुर्ग से बाहर निकलते हैं, मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सैनिकों को इशारा करता है कि रतन सेन को बंदी बना लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने रतन सेन को बंदी बना लिया और बाहर जो इनका शिविर लगा था वहां ले गए और बंदी बनाकर वहां रख लिया और महल में यह संदेश भिजवा दिया कि यदि रतन सेन को वापस पाना चाहते हो तो रानी पद्मिनी को मेरे हरम में भेज दो। अब रानी पद्मिनी ने प्लान बनाया और संदेश भिजवाया कि ठीक है, मैं आपके हरम में आने को तैयार हूं, लेकिन रतन सेन को रिहा कर दिया जाए और मेरी भी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी 1600 दासियां हैं, वो मेरी सेवा के लिए मेरे साथ हरम में चलेगी। अलाउद्दीन खिलजी वो उनकी शर्त को मान लेते हैं और फिर क्या होता है कि 1600 पालकियों के साथ, पालकी आप जानते होंगे जैसे एक डोली रुमा होती थी, तो उस पालकियों में सवार होकर और रानी पद्मिनी है वो दुर्ग से बाहर निकलती है। जैसे वो यहाँ जो ये शाही शिविर लगा हुआ है यहाँ से गुजरती है 1600 पालकियों के साथ जिसमें दासियां थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी से कुछ समय के लिए बात करती है और कहती है कि मैं आपके हरम में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लास्ट बार अपने पति को देखना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी ये शर्त है, ये मांग है, वो मान ली और उसने रतन सेन को बुलाया और उनके साथ बातचीत करवाई। वो जो 1600 पालकियाँ आई थी उसमें कोई दासियां नहीं थी, उसमें रतन सेन के 1600 चुने हुए वीर राजपूत सैनिक थे और इन सैनिकों के पास हथियार भी थे। और अचानक उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण किया और रतन सेन को छुड़वाकर वो यहाँ से महल में वापस ले गए। फिर क्या होता है कि अब रतन सेन है वो महल में चले गए और यहाँ उनके जो दो सेनापति है गोरा और बादल वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। और बाद में क्या होता है कि यहाँ खाने की कमी आ जाती है और खाने की कमी के बाद रतन सिंह है वो दरवाज़ा खोलकर और बाहर खड़ी शाही सेना पर आक्रमण करते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और पद्मिनी जो है इनके नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में और राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। तो ये जो कहानी है वो बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ के अंदर। इस प्रकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब देखिए ये जो कहानी है, इस कहानी को कुछ इतिहासकार सही मानते हैं और कुछ इसे गलत मानते हैं, इनके पक्ष में नहीं है। जो इस कहानी के समर्थन में है, जो इनको ऐतिहासिक मानते हैं, उनमें देखिए कौन कौन से इतिहासकार है जो इस कहानी को मानते हैं, वो देखिए कौन है, अबू फजल, फरिश्ता, कर्नल जेम्स टॉड, मोहनोत नेंसी। ये जो इतिहासकार है वो इस कहानी में ऐतिहासिकता मानते हैं कि इतिहास की दृष्टि से जो कहानी है वो बिल्कुल सत्य है, जबकि आज के जो आधुनिक इतिहासकार है वो इस
कहानी को ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। वो इतिहासकार कौन से हैं, उनमें देखिए सूर्यमल मिश्रण, हबीब कानूनगो, के एस लाल, ये जो इतिहासकार हैं वो इस कहानी को झूठी बताते हैं, इसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं है। जबकि ये अबू फजल फरिश्ता, जेम्स टॉड मनोज नेंशी और एक नाम और जोड़ सकता है इसमें, मनोची फ्रांस का एक यात्री है, ये भी इस कहानी को सच मानता है। तो इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसमें जो प्रश्न जो विशेष है 4 नंबर का, वो यही था अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण। बाकी इसमें एक प्रश्न आया हुआ भी है कि 1303 ईस्वी में और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग पर अधिकार किया था, तो वो कौन सा दुर्ग था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का दुर्ग था। बाकी टॉपिक बाद में पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।